गुड मॉर्निंग बच्चों, अभी तक मैंने आपको स्नेल करवाया था, उसके बाद फ्लावर भी कराया था, तो मैं आपको बनवाऊंगी बटरफ्लाई। क्या बनवाऊंगी? बटरफ्लाई। तो अब हम बनाने वाले हैं बटरफ्लाई को। तो बटरफ्लाई बनाने के लिए मैं आपको इजी चीज़ें बताऊंगी जिससे हम बहुत इजीली बटरफ्लाई बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी पेंसिल निकाल ली है और एक स्केल। तो अब मैं बहुत इजीली तरीके से ये ड्रॉ करूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट तो मैंने ऐसे लाइन खींच लिया, ठीक है, और फिर इस तरह मैंने कुछ बना लिया है। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से मैंने इतना बना लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक ट्री बनाऊंगी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे अच्छी तरह का बारीक तरीके से। फिर यहाँ पे भी मैं एक ट्री बनाऊंगी, ये मोटा हो गया ज़्यादा। ऐसे मुझे बनाना है, ऐसे भाई। ये दोनों में से एक जैसे नहीं बन रहा है, मेरे को ये अच्छी लग रही है या फिर ये वाली ज़्यादा अच्छी, ये वाली कम। तो मैं इसको अच्छी तरह इसकी जैसे करूँगी। बहुत इजी है बनाना, आपको वन बार बनाते ही ये पूरी आ जाएगी। बटरफ्लाई तो हर कोई बना लेता है, बहुत इजी। इस टाइप हमने कुछ इसके पंख बना लिए और इसका शरीर, कान बनाएंगे। ते टेढ़ी करी इसलिए नीचे ये बड़ा है। ये फिर आपको ऐसे नहीं करना है, तो आप दोनों साइड से इक्वल ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इतना हुआ तो थोड़ा से हम ऐसे लाइन खींच करेंगे। आपने सोचा होगा यहाँ पे डिज़ाइन बनाते हैं, बट आज तक तो कभी भी मैंने बटरफ्लाई का यहाँ पे डिज़ाइन नहीं देखा। आपने अच्छी तरह देखा नहीं होगा यहाँ पे बटरफ्लाई का डिज़ाइन होता है, ठीक है। अब हम बनाएंगे उसके पैर और उसकी पूंछ, उसके हाथ। इतना हुआ। इतने के बाद अब हम करेंगे मेजेस, मतलब इसके पंखों का डिज़ाइन। इसके पैर अच्छी तरह सही कर लेते हैं। तो मैं कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे हम ऐसे बना देंगे और उसके अंदर हम कुछ ऐसे फ्लावर बना देंगे। अब इतना लंबा बनाना जिससे अगर हम मार्जिन लाइन करें तो वो अच्छी तरह हो जाए।
ठीक है। अब ऐसे हम यहाँ पे करेंगे, ये अच्छी तरह नहीं हुआ, ठीक है। और थोड़ा यहाँ पे फैला दूंगे, ऐसे इस तरह अच्छी तरह मिलेंगे। देखिए ये बहुत इजी है बनाना, इतना बनाए। अब हम बनाएंगे इसके बाहर का, तो हम बनाएंगे यहाँ पे कुछ फूल। क्योंकि ज़्यादातर बटरफ्लाई वहाँ पे होती है जहाँ पे बहुत फूल होते हैं। ऐसे हम अच्छी तरह बना लेंगे। हेलो बेटा जी, मैं बना तो रही हूँ, आपको भी ऐसे ही बनाना, अच्छा सुंदर सुंदर सा। अगर किसी के भी खराब हो गई ना तो देख लेना उसकी क्या हालत करूँगी मैं। तो इसकी स्केच और इसकी कलरिंग की मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। ओके, थैंक यू बेटा।